सहूब छोटी सी जगह में सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा घोड़े पर सवार है, जहां पर एक सुलभ शौचालय बना दिया गया है और दूसरी ओर लघु शंकालय भी मौजूद है। उनके दरवाजे पर जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां पर मछली जैसी मांसाहारी वस्तु गेट की सीढ़ी पर ही बेचने का काम किया जा रहा है और ठेकेदार बेचने वालों से पैसा वसूलने में मग्न रहते हैं। जब भी भूले भटके कुछ लोग इस स्थल पर पहुंचते हैं तो शहीद की प्रतिमा स्थल का हाल देखकर उनकी चाहने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। बोकारो जिले से सच्चिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्रा, कैमरामैन नमेंदु कुमार मिश्रा के साथ टी न्यूज के लिए जिला बोकारो से। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुभाष चंद्र बोस चौक के पास, चेक पोस्ट पर स्थित है और सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, वीर समरेश सिंह उन्होंने की बनाया है इसे, और आज नहीं उन्होंने जो बनाया है मूर्ति, मैं पहले बता दूँ 23 जनवरी 2002 को संपन्न हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मूर्ति बनी है, लेकिन अभी फिलहाल वो मूर्ति नहीं बल्कि बिल्कुल गंदगी का चारों ओर अंबार लगा हुआ है और इसी के प्रांगण में एक शौचालय भी बनी हुई है, लघु शौचालय बना हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है। आज कांग्रेस की जिन्होंने यह प्रतिमा, तो आज मैं उनके दल के सदस्य से बात करता हूँ कि वे क्या कहना चाहते हैं इस बिंदु पर। असल यहाँ पर जो सुभाष चंद्र मूर्ति जो बनी है सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन बगल में ही ठीक शौचालय बन गया है, गंदगी बनी हुई है चारों ओर अंबार। एक मतलब भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता जिन्होंने भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, यहाँ पर ये शौचालय क्या उचित है, क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट। ये कहीं से भी उचित नहीं है, अनुचित है। हम लोगों ने माननीय समरेश दा के नेतृत्व में इसका हम लोगों ने पूर्व से भी विरोध करते हुए आए हैं, आज भी इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसका सिर्फ नगर निगम, तत्कालीन मेयर और तत्कालीन अपर नगर आयुक्त ने एक ठेकेदारी को चलाने के लिए इसे यहाँ पर शौचालय बनाया और ये नेताजी के मूर्ति के सामने में, पीछे में या आगे में कोई भी शौचालय या यूरिनल नहीं बनता है, ये हाईकोर्ट का निर्देश है। फिर भी जबरदस्ती करके अपने पावर का घोष दिखा करके इसको नगर निगम ने इसका निर्माण करवाया, इसके चास के लोग इसका विरोध भी किए और आज भी इसका विरोध ही हम लोग विरोध करते हुए आ रहे हैं, आगे भी इसका विरोध हम लोग करते रहे। ये महापुरुषों का अपमान है। तत्कालीन मेयर और जो बोल रहे हैं वो कौन थे? भूमिका भुआ जी थे और आपका कार्यपालक पदाधिकारी कौन थे कामयाब नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने इसका विरोध किया था? जी, निश्चित किया था। अब आप क्या चाहेंगे? आज के दिन में नगर निगम के पास इतना फंड है, इसका बंदरबाट इधर उधर जो हो रहा है, इसका सौंदर्यीकरण को एक नंबर में रखा जाए और इसका जब सौंदर्यीकरण होगा तो रंग पुताई होगा, ये बदहाली का आंसू बहा रहा है, इसको पहले दुरुस्त किया जाए और उसके बाद देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जाने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा को ये पूजा से पेंट किया जाए और ये जगह सुभाष बोस के नाम पर जो पार्क बना है, ये पार्क को पार्क बनाया जाए, यूरिनल नहीं बनाया जाए, ये हमारा काम। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बीबी मिश्रा हुआ, मैं विचार विभाग बुद्धिजीवी मंच का प्रदेश का अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार। सर, आप बयान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।